खबर शेयर कदी सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना जो इजलास है। बिल्कुल नाजरीन अपडेट की सिंध काबीना बोर्ड मुतासर के घर की तमीर लाए रकम खर्च करण की मंजूर दे छी है। सिंध काबीना कोरोना इमरजेंसी फंड बंद करण की भी मंजूर दे छी है। इन हवाले से तफसील लाइन से मौजूद है कराची मार्केटिंग न्यूज जो चीफ रिपोर्टर वहीद राजपर जी। वहीद तफसील लीजो। सिंध काबीना जो इजलास सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत आज जारी है। वजीर हाउस में इजलास इन वक्त जारी है जिनमें 36 नुकाती एजेंडा जो जेर गौर है। इजलास में सूबाई वजीर सलाहकार खास मददगार चीफ सेक्रेटरी समेत बे आफिसर शरीक हैं। सिंध काबीना जो पेरी एजेंडा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लागिया पल जो मुलाजिम कम कर रहा है वे 3,264 मुलाजिमन के अपग्रेड करने की मंजूरी दिनी। इन सिंध काबीना बे नंबर जो एजेंडा है कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड उनके बंद करने की मंजूरी दे छी है। कोरोना वायरस फंड चीफ सेक्रेटरी छह रुकनी बॉडी हुई उनका वो इंतजाम दिसी रही हुई 18 मार्च 2020 का 21 अप्रैल 2021 ती इन जो 17 इजलास थिया कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड जो 3,69 करोड़ रुपया वह रकम आई मुख्तलिफ जो मानू आन इदारा उनके तरफा इन फंड में जो रकम जमा कराई वही। इन फंड की कुल जे इन वक्त ती खर्च थे उनको जो हिसाब दिनों वो जिमें 3 अरब का जो खर्च किया वह अड़ी तरह इन वक्त जो अकाउंट में 35 मिलियन रुपया का जो रकम मौजूद है। काबीना जी बकाया रकम है वह बोर्ड मुतासर की घर की तमीर के लिए वो खर्च कर मंजूरी दिनी है। इनके अलावा सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जो चेयरपर्सन है माजदा रिजवी उनके तब्दील कर इकबाल देथो के सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जो चेयरमैन मुकर कर सिंध काबीना मंजूरी दिनी है। इनके अलावा कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड में इन वक्त ती जी रकम आई है उनकी बचल रकम है वह बोर्ड मुतासर जो बाली घर की बाली खर्च कई वी जी वही अपडेट कर।